साथियों नमस्कार। आप सभी का राजपाल इंसेंस के इस फेसबुक पेज पर स्वागत है। हमेशा की तरह रविवार के दिन हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं अपनी एक जरूरी श्रृंखला, मेरे लेखक मेरे सवाल। आज इस श्रृंखला में हमारे साथ हिंदी के एक महत्वपूर्ण लेखक, कवि, आलोचक, उपन्यासकार और संपादक एकांश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले राजपाल इंसेंस के इस फेसबुक पेज पर अपनी ओर से और अपने सभी दर्शकों की ओर से एकांश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने समय निकालकर हम सब लोगों से बातचीत करने का एक अवसर हमें उपलब्ध कराया। दोस्तों, 90 के आसपास हिंदी में जो कविता उभर कर आई, उस कविता में जो लोग बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हिंदी के परिदृश्य में उभरे और जिन्होंने परिदृश्य में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई, उनमें एकांश श्रीवास्तव का नाम प्रमुख है। अरुण कमल, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल के बाद हिंदी कवियों की पीढ़ी में एकांश श्रीवास्तव का नाम हमेशा बहुत मान के साथ लिया जाता है। आज हमें खुशी है कि इस अवसर पर एकांश जी हमारे साथ हैं और आप सबके सवालों का वे आज जवाब देंगे। इससे पहले कि मैं उनसे बातचीत की श्रृंखला शुरू करूं, सबसे पहले मैं अपने उन दर्शकों के लिए जो पहली बार इस आयोजन से जुड़ रहे हैं और जिन्होंने दूर दूर से कहीं एकांश जी को पढ़ा या सुना होगा, उनके लिए उनका एक छोटा सा परिचय पढ़ देना चाहता हूं। कविताओं में लोकोन्मुखता, जनपदीयता, स्पष्ट सामाजिक सरोकार, जनपक्षधरता, प्रतिबद्धता और एक खास ढंग की कविताई के लिए जाने जाने वाले एकांश श्रीवास्तव का जन्म 8 फरवरी 1964 को जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के कस्बा छुरा में हुआ। आपने हिंदी में एमए, एमएड और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रमुख रूप से कवि एकांश श्रीवास्तव के अनेक कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हैं, जिनमें 1994 में प्रकाशित अन्न है मेरे शब्द, मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद जो 2000 में प्रकाशित हुआ, 2003 में प्रकाशित बीज से फूल तक, धरती अधकुला फूल है ये 2013 में प्रकाशित हुआ, और एक लंबी कविता नाग केशर का देश 2015 में। कविताओं के अतिरिक्त लंबे समय तक एकांश जी कविता से जुड़े हुए निबंध लिखते रहे हैं, आप उन्हें चाहें तो आलोचना कह सकते हैं। इन निबंधों की एक पुस्तक 2006 में कविता का आत्मपक्ष शीर्षक से प्रकाशित हुआ। मेरे दिन मेरे वर्ष नाम से एक स्मृति कथा 2009 में प्रकाशित हुई, बढ़ई कुम्हार और कवि नाम से आलोचना की एक पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुई, पानी भीतर फूल शीर्षक से 2013 में एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, चल हंसावा देश इस नाम से यात्रा निबंधों की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, शेल्टर फ्रॉम द रेन इस शीर्षक से एकांश जी की कुछ चुनी हुई कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है। एकांश जी को अनेक कविता संबंधी पुरस्कार मिले हैं, जिनमें शरद बिल्लौरे सम्मान, रामविला शर्मा सम्मान, ठाकुर प्रसाद सिंह सम्मान, दुष्यंत कुमार सम्मान, केदार सम्मान, नरेंद्र देव वर्मा सम्मान, सूत्र सम्मान, हेमंत स्मृति सम्मान, जगत ज्योति स्मृति सम्मान, मलखान सिंह ससोदिया कविता पुरस्कार, वातायन कविता सम्मान इत्यादि इत्यादि प्रमुख हैं। शोभनाथ यादव राष्ट्रीय सम्मान से भी आप नवाजे गए हैं और सृजन गाथा सम्मान से भी। आपने वागर्थ पत्रिका का दो हिस्सों में नवंबर 2006 से 2008 तक
और 2011 से 2015 तक संपादन किया है। आपने अनेक देशों की यात्राएं की हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, वेटिकन सिटी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देश प्रमुख हैं। ये एक छोटा सा परिचय है हमारे उन श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, जो आज हमसे जुड़े हुए हैं। मैं अपने दर्शकों का भी बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं इस अवसर पर कि वे यहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं एकांत जी को सवालों में ले जाऊं, सवालों की दुनिया में, और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं उनकी एक कविता अपने श्रोताओं के लिए पढ़ना चाहता हूं। उनकी अनेक कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे प्रिय कवियों में एक हैं एकांत जी, लेकिन आज जिस कविता का चुनाव मैंने किया है वो उनके तीसरे कविता संग्रह बीज से फूल तक में संकलित है, और इस कविता का शीर्षक है हम धरती कहते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु का नाम लो, किसी प्रिय जन का नाम हम धरती कहते हैं। किसी प्रिय रंग का नाम लो, किसी प्रिय देव का नाम हम धरती कहते हैं। हम धरती कहते हैं तो वह मां है, हम मां कहते हैं तो वह धरती। किसका है यह खून जो बह रहा है धरती पर? यह उगते हुए सूर्य का खून है, यह आसमान के हृदय से टपक रहा है, यह शब्द का खून है, सफेद कागज पर लकीर बनाता, मंदिरों से भागते घायल ईश्वर का खून है यह। प्रार्थना में बुदबुदाता है हर फूल अपनी टहनी पर, शांति शांति। यह खून जो बह रहा है उस मां का है जिसके हम बेटे हैं, जिसे हम धरती कहते हैं। अखरोट सी सख्त, नाशपाती सी गोल और हरी, यह धरती जो दिखती है बहुत प्यारी, जेल की सलाखों से लोग जो जेल में हैं आखिरी बार जब मूंदते हैं अपनी आंखें, नहीं लेते किसी ईश्वर का नाम, नहीं जाना चाहते स्वर्ग, वे धरती कहते हैं। ये कविता है एकांत जी के तीसरे कविता संग्रह बीज से फूल तक की, जिसका शीर्षक था हम धरती कहते हैं। इस कविता की अर्थ छाया में आपको 2020 भी दिखाई दे सकता है और 2021 के ये महीने भी, जब धरती पर खून का रंग कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, एकांत जी का फिर स्वागत है। एकांत जी बहुत संकोची मितभाषी हैं, हम सब लोग जो उन्हें जानते हैं उनके स्वभाव से परिचित हैं। ऐसे अपने कवि को सवालों में ले जाना और सवालों के जवाब पाना अपने आप में एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आज हमने उनको आमंत्रित किया है और आज भी हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल जवाब का ये सिलसिला आप सभी लोग इसमें शामिल होंगे और अपने सवाल हमें जरूर भेजेंगे। एकांत जी, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं दूसरे हमारे श्रोताओं और दर्शकों के सवाल लूं, सबसे पहले अपनी ओर से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। आपकी ये लगभग 35 वर्षों की काव्य यात्रा, इसे आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर इस सिलसिले से कि जब आपने शुरू किया 85 से 95 के बीच का जो परिदृश्य था हिंदी में, कविता का, साहित्य का, कस्बों का, हिंदी कविता अचानक महानगरों और नगरों से निकलकर कस्बों में चली गई थी, गांवों तक जा रही थी, और आप उस पीढ़ी के कवि हैं जो सीधे गांव से, कस्बों से उभर कर आए, तो एक बड़ा गहमे गहमी भरा, उत्साह से भरा हुआ एक वातावरण था। तब से अब तक बहुत, जिसे कहते हैं गंगा में पानी बह गया है, समय बहुत बदल गया है, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आशीष जी, ये तो बहुत लंबा मतलब उत्तर चाहता है आपका प्रश्न जो है।
अन्न है मेरे शब्द जो मेरा पहला संग्रह था, लगभग 35 वर्ष, आपने ठीक कहा। तो उस समय के माहौल को, वो जो गर्माहट थी जिसकी तरफ आपने संकेत किया, और उस तरफ जो जिस तरह से पत्रिकाएं निकलती थीं, और मोबाइल तो इतने नहीं थे, पत्र पोस्ट कार्ड अंतरदेशी का वो जमाना था, लेकिन तो और उस समय हम लोग गांव में रह के लिख रहे थे। कुमार अंबुज जी गुना में थे और सारे साथी छोटी छोटी जगहों से, लगभग गांव कस्बों से, यानी परिधि से साहित्य आ रहा था और केंद्र में उसे चिन्हा जा रहा था, पहचाना जा रहा था। तो इन 35 वर्षों में मैंने देखा कि धीरे धीरे, मतलब उस लगाव की एक कमी मैं महसूस करता हूँ इधर, धीरे, चाहे वो खुद का जीवन हो या इधर और जो हमारे साथी कवि हैं, कि वो धरती से जो जुड़ाव था, मिट्टी से, गांव से, और कविता को लेके जो जुनून, एक पागलपन जो था, एक तरह का एक गहरी निष्ठा और समर्पण का भाव था, तो वो धीरे धीरे कहीं कम होता चला गया, लेकिन है, अभी भी है, अभी भी समर्पित भाव से लोग लिख रहे हैं। तो 35 वर्ष में कविता बदली अगर है, तो क्योंकि हमारा समाज, हमारा समय, और ये जो तकनीकी आज हमारे बीच आ गई है, इससे समय समाज बहुत तेजी से बदला है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि एक संक्रमण का जो आघात है या संक्रमण की जो छाप है, वो मनुष्य के जीवन पर भी है और रचना पर भी है, कविता पर भी है। तो इतने मतलब एक उत्तर में इस लंबे अंतराल की काव्य यात्रा को समेट पाना, जैसे मैं अपनी ही अन्न है मेरे शब्द की कविताओं को, या बद्री नारायण चाहें तो पहले संग्रह की कविताओं को, या अंबुज जी चाहें तो किवाड़ की कविताओं को, दोबारा नहीं लिखा जा सकता है, दोबारा उस जीवन को या उस गांव को फिर से हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आधा गांव बचा है, आधे कस्बे बचे हैं, आधा समाज बचा है, मेरा मतलब मूल्यों को लेकर जो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। तो काफी कुछ बदला है, लेकिन कुछ हासिल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हम केवल खोते चले गए, चुनौतियां तो हर समय रही है। तो लंबी काव्य यात्रा रही है, और अभी भी जो समर्पित भाव से तुम मुझे एक चाकू दो, सर्वसर्ज की पंक्ति है कि मैं अपनी रगें काट कर दिखा सकता हूँ कि कविता कहाँ है, तो साहित्य को, रचना को जीने वाले लोग अभी भी हैं, पढ़ने वाले लोग, पाठक अभी भी हैं, तो उन्हीं से उम्मीद बनी हुई है और बची हुई है। बल्कि बहुत कम शब्दों में इस यात्रा को समेट पाना, मतलब मेरे ख्याल से संभव नहीं है मेरे। बहुत अच्छे ढंग से आपने जवाब दिया। बहुत मूलभूत परिवर्तन जो हमारे परिदृश्य में आए हैं, उन सब की तरफ आपने बहुत छोटे से जवाब में ही अपनी बात कह दी। ये मैं सवाल ले रहा हूं, सबसे पहला ब्रिजराज पांडे का सवाल है। इन्होंने पूछा है कि कविता में निहित मूल्य परक चेतना के प्रति आपका क्या विचार है। मैं इसे थोड़ा स्पष्ट करूं कि शायद वो ये जानना चाहते हैं कि कविता में मूल्यों की क्या और कैसी और कितनी जगह होती है, और आज के कवि उससे कितना, उसके प्रति कितने सजग हैं संभवतः। पांडे जी, आपका जो पांडे जी का सवाल आपने रखा, जो आशीष जी की कविता जी में निहित मूल्य परक चेतना, मुझे लगता है कि कविता का जो केंद्रीय तत्व तो है, या जो लक्ष्य है, वो वही है किसी भी कला और रचना का। निरुद्धा की एक पंक्ति में बार बार उद्धृत करता हूं कि कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर वो उसकी एक बूंद को बचा न सके। तो ये मूल्य परक जो चेतना है, उसकी बूंद वही मानवीय तरलता है, और मूल्य कभी प्राचीन नहीं पढ़ते हैं, वो पुनर्नवा होते रहते हैं मूल्य। तो हमारी पूरी सभ्यता ही, सभ्यता का जो पूरा पुल है, वो मूल्यों के आधार स्तंभों पर खड़ा हुआ है। मूल्यों के बिना न जीवन बच सकता है, न रचना बच सकती है, न सभ्यता बच सकती है। तो कविता में मूल्य परक चेतना तो अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि हम मूल्यों की लड़ाई लड़ते हैं। मनुष्यता भी आज के समय में एक मूल्य में बदल गई। तो कविता उसी ओस की बूंद को, उन्हीं मूल्यों को बचाने की कोशिश करती है, और मूल्य के बिना तो मनुष्य के जीवन का ही औचित्य नहीं है, ऐसे किसी समाज का औचित्य नहीं है, सभ्यता का औचित्य नहीं है जिनमें मूल्य ना हो। तो हम प्राचीन नक्षत्रों की तरह मूल्य हर समय अपनी आभा, अपनी दीप्ति से धरती को आलोकित करते रहते हैं, और उसकी उजास में ही हम अपना रास्ता पार करते हैं। तो कविता में, रचना में, कला में, साहित्य में, जीवन में और समाज में मूल्यों की बहुत जरूरत है। और जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, तो एक कला के माध्यम से, कविता के माध्यम से उनका लेखन मूल्यों को बचाए रखने का ही संघर्ष है, मुझे ऐसा लगता है। एकांत जी, ये आपके जवाब से एक छोटा सा प्रतिप्रश्न मेरे दिमाग में उभर रहा है जी, बोलिए। कि हम अक्सर जब मूल्यों की बात करते हैं तो ये भी समझते हैं कि मूल्य निर्वात में पैदा नहीं होते, और सामाजिक संरचना के हिसाब से मूल्यों की का भी एक श्रेणीकरण होता है। जैसे अभिजनों के शासक वर्ग के मूल्य कुछ अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, और आम आदमी के और शोषित या ऐसे वर्ग जो अन्याय और दमन सह रहे हैं उनके मूल्य अलग हो सकते हैं। मेरा मतलब जनता के मूल्यों से था जी। जो हमारा प्रतिपक्ष का समाज बनता है। और जी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने मूल्यों का जो वर्गीकरण किया, ये ठीक है, उनके भी मूल्य हैं, चाहे वो निगतिशील मूल्य हो हमारी दृष्टि में। मेरा मतलब जो हमारा लोक है, हमारे हमारा जो समाज है, हमारा जो जनता है, जो संघर्षरत, जो हमारा औसत नागरिक है, और जिसके हिस्से हम भी हैं, तो मेरा मतलब उस बहुजन समाज के मूल्यों से था, और उन्हीं मूल्यों की, जैसे इतिहास तो अब हम मानते हैं कि जनता का इतिहास मूलतः होता है, देश में राजा महाराजाओं के चाहे तिथियां मतलब उसमें उल्लेख हो, लेकिन उसी तरह से मूल्य तो मेरा मतलब जनता के मूल्यों से ही था जी। क्या हमारी आज की कविता में कोई या पिछले 30-35 वर्षों की कविता में, आपकी पीढ़ी की कविता में कोई मूल्यगत संघर्ष भी दिखाई देता है आपको? मेरे ख्याल से तो वो लगातार है सभी साथी कवियों की और कविता में। और अगर हम लोक की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, और समाज से, धरती से, आम जनों से, और सभ्यता की चुनौतियों से संघर्ष की बात करते हैं, या मनुष्य मनुष्य को जो अलगाने की जो साजिशें हैं उसका पर्दाफाश की कोशिश करते हैं, तो ये मतलब एक मूल्यों के तहत ही ये रचनागत काम लगातार जारी रहा है। ये दूसरा सवाल मैं ले रहा हूं, ये सुंदर शर्मा का सवाल है जी। सुंदर जी ने आपके संपादन के संबंध में सवाल किया है। उन्होंने कहा कि जब आप वागर्थ का संपादन कर रहे थे तो वागर्थ में खुलापन दिखाई देता था, तो इतना बेहतर संपादन करने के बाद आपने संपादन क्यों छोड़ दिया? देखिए, ये दो बातें हैं, एक तो संपादन छोड़ने की बात है और दूसरा खुलापन वाली बात है। तो खुलापन तो ऐसा है कि आप जब कहीं काम करने जाते हैं किसी संस्था में, किसी पत्रिका में, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम जिस संस्था में गए हैं, जिस पत्रिका से हम जुड़े हैं, तो उनके अपने मूलभूत विचार क्या हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपने जनतांत्रिक विचारों को छोड़ देंगे या उनके साथ कोई समझौता करेंगे। तो जब मैंने वागर्थ ज्वाइन किया लगभग 2.5 साल पहले, 2006 नवंबर 6 से कालिया जी के जाने के बाद, जब वो ज्ञानपीठ में आ गए, नवंबर 2006 से दिसंबर 8 तक 2.5 साल, और फिर 2011 जनवरी से लेकर जून 17 तक लगभग 6.5 साल, तो 104 अंक लगभग।
तो फिर मैंने देखा कि वागड़ के अंग अब तक कैसे निकलते रहे हैं और किन अंकों को लोगों ने अधिक पसंद किया है। तो मुझे प्रभाकर श्रुति जी के अंक, वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं किसी संपादक और रचनाकार से, तो श्रुति जी ने सबको बांधा और लेकर चलने की कोशिश की। तो मुझे लगा जिस पत्रिका में मैं आया हूँ और जिस संस्था में, तो उसको मैं एक व्यापक रूप दूं, और केवल इस वजह से किसी रचनाकार को या कवि कथाकार को मैं उनसे गुलेज करूं कि वो मेरी विचारधारा के नहीं है, या आप उस बात चीज को समझ रहे होंगे। तो अगर रचना में उनकी पहचान है और वो अच्छा लिख रहे हैं तो उनको एक जगह मिलनी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रही और मैं सुंदर जी का आभारी हूं कि वो खुलापन की बात कर रहे हैं। तो कोई काम हम करते हैं तो अगर आपने, आपको लग रहा है कि खुलापन उसमें रहा, तो ये एक तरह से मेरे श्रम की सार्थकता है। और अब रही छोड़ने की बात, तो वागर्थ को मैंने कुल मिला के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ जितने रचनाकार हैं, फिर भी 120 पृष्ठों की मासिक पत्रिका की एक सीमा तो होती है और उसमें सारा कुछ समेट पाना संभव नहीं होता। आज भी वो बहुत सी अच्छी रचनाएं जिसको मैं जाते जाते भी ना छाप पाया, उसका एक मलाल रहता है। और लोग मिलते हैं कि, और उनको याद है कि उन्होंने भेजा था, अब मुझे याद है कि उन्होंने भेजा था, लेकिन मेरे कोशिश की एक सीमा जो होती है पत्रिका की भी, तो इस तरह से था वो। तो कुल मिला के सब लोगों का सहयोग मिला। खुलापन तो अकेले व्यक्ति की कोशिश हो नहीं सकती है, रचनात्मक सहयोग से, सबके सहयोग से, सबका सहयोग मिला पाठकों का, तो इस तरह से वो एक स्थिति बनी थी। छोड़ने की जहां तक बात है, तो सुंदर जी या बहुत सारे पाठक शायद नहीं जानते हैं कि वागर्थ में अपनी मैं मतलब सेवा में हूँ, सरकारी सेवा में हूँ, शासकीय सेवा में हूँ। उसके साथ साथ मैं करता था, दिन भर नौकरी के बाद में शाम को वागर्थ कार्यालय जाता था और रोज नहीं जा पाता था एक दिन के 8 दिन, और लगभग 6 से 9 का तो वो समय होता था, घर लौटते तक 10 हो जाता था। तो मेरा भी अपना परिवार था, बच्चे थे। तो एक बार सुदीप बनर्जी जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने कहा कि जब मैं संपादन करके लौटता हूँ तो बच्चे सो चुके होते हैं थक के, और फिर अगले दिन जब मैं उठता हूँ तब तक वो अपने स्कूल जा चुके होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज आपके पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, कल आपके पास वक्त होगा तो आपके बच्चों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। ये बात मुझे काफी, मुझे, मैं इस पर सोचता रहा। तो फिर दोहरा काम, मतलब दो दो काम हम कब तक कर सकते हैं, तो फिर उसी प्रेशर में मैंने छोड़ा। जो अनुमान लोग लगाते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। संस्था से मेरे संबंध हमेशा अच्छे रहे। पहली बार भी छोड़ने के बाद शासकीय दबाव और पारिवारिक दायित्व तो, और अपना लिखना पढ़ना जो बिखरा जा रहा था, इन सब वजहों से मैंने पहली बार भी छोड़ा। फिर दोबारा उन लोगों ने मुझे उसी आत्मीयता और प्रेम से बुलाया, तो दूसरी बार भी वही कारण था जो मुझे, मतलब वहां से मुक्त होना पड़ा। क्योंकि मैं पूरी तरह से किसी सेवा में ना होता वही होता, तो फिर किसी काम का कभी ना कभी अंत होता ही। और इतने लंबे समय, मुझे लगता है कि 9 साल बहुत लंबा एक समय वो होता है। और आप मूलतः एक लेखक हैं तो आपको अपना लिखना पढ़ना, अपना निजी जीवन, घर परिवार और स्वास्थ्य की सेवा से जुड़े हैं तो सब देखना होता है। इस वजह से सुंदर जी मुझे अगर छोड़ना पड़ा, संस्था से संबंध मेरे हमेशा अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। बिल्कुल उचित कहा आपने। दो तरह की पत्रिकाएं हिंदी में हैं, एक तो विचार से या विचारधारा से सीधी तौर पर संबद्ध या उनके प्रति एक तरह की प्रतिबद्धता दिखाने वाली पत्रिकाएं, और दूसरी तरफ खुली उदार पत्रिकाएं जिनमें सभी विचारों के और विचारधाराओं के लेखक शामिल होते हैं। ठीक कहा आपने कि आपके जमाने में वागर्थ का जो दृष्टिकोण था वो लोकतांत्रिक था, और अपने ही संपादक के विचार और संस्था के विचार के बाहर के भी जो विचार हैं, भिन्न विचार हैं, उन्हें भी यदि वो रचनात्मक हैं तो उन्हें जगह दी जाती रही है। मुझे लगता है कि किसी भी पत्रिका
के लिए यही शायद एक आदर्श नीति हो सकती है, बल्कि जीवन जीने की भी शायद यही आदर्श नीति है लोकतांत्रिक समाज में, कि हम अपने से भिन्न विचारधारा के लोकतांत्रिक, रचनात्मक और भले लोगों के साथ बेहतर तरीके से पेश आए। अब बहुत बेहतर ढंग से आपने इस सवाल का जवाब दिया। अब मैं समझता हूं कि हमारे साथी सुंदर शर्मा अपने जवाब से, इस जवाब से आश्वस्त हो हुए होंगे। अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, दो सवाल क्रम से पूछूंगा और ये हमारे दो रचनाकार मित्रों ने पूछे हैं। सबसे पहले हमारे आलोचक मित्र पल्लव का ये सवाल है जो उन्होंने आपकी कविताओं को केंद्र में रखकर पूछा है। उनका कहना है कि अन्न है मेरे शब्द, यानी आपका जो पहला कविता संग्रह है उसमें जैसे हार्दिक और रम्य चित्र हैं, वैसे आगे के संग्रहों में नहीं है, ये उनकी टिप्पणी है। उनका सवाल यह है कि क्या यह कवि के अपने मिट्टी के से दूर हो जाने की वजह से हुआ है? सबसे पहले तो पल्लव जी, मुझे खुशी है कि पल्लव जी का मैं उनको नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत पुराने संबंध रहे हैं और बनारस जन भी मुझे लगातार मैं देखता रहा हूँ। तो पल्लव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो जो हार्दिकता और क्या क्या बात कही आपने, हार्दिकता और एक हार्दिक और रम्य रम्य दृश्य कम होते गए हैं, कुछ इसी तरह का है ना। तो असल में ठीक कहा आपने, मैं खुद उस चीज को महसूस करता हूँ। तो मैं खुद उस बात को महसूस करता हूँ, पर उसके कारण जो है पल्लव जी वो दूसरे हैं और बहुत गहरे हैं। मैं समझता हूँ कि अन्न है मेरे शब्द की जो कविताएं हैं वो एक जिसकी एक ऐसे युवक की या कवि की कविताएं हैं जिसके सामने एक दुनिया खुल रही है, गांव का संसार, प्रकृति, उसका जीवन सौंदर्य। आप देखेंगे कि उसमें भी दंगे के बाद और दूसरी आवाजें हैं, हिंसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें एक मोहकता तो आपको लगेगी, एक जो बांधने वाली चीजें हैं। मैंने अभी अभी अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अब वैसी कविताओं को लिखना, पहले संग्रह जैसी कविताओं को लिखना ना हमारे साथी कवियों के लिए संभव है, ना खुद मेरे लिए संभव है। तो वो जो रम्यता है, वो मोहकता है, वो जो लोक सौंदर्य है, वो गांव से दूर जाने के कारण कम हुआ है, मतलब ऐसा मैं नहीं सोचता, क्योंकि मैं कलकत्ता रहा, विशाखापट्टनम उसके पहले रहा, 10 साल विशाखापट्टनम, फिर लंबा समय कलकत्ता में बीता। तो लेकिन गांव से मेरी संपृक्ति बराबर रही, मैं लगभग हर 2 महीने में गांव जाता ही रहा हूँ, हर 3रे महीने, और लंबा समय वहां बिताता रहा हूँ। किंतु मुझे लगता है कि जो समय और समाज की जो कड़वाहट है, जो विष है, धीरे धीरे वो हमारे हृदय को उतना मीठा नहीं रहने देता, हमारे अनुभवों को कहीं ना कहीं हमें तिक्त करता जाता है, वो जो यथार्थ जो आता है। तो चीजों को देखने की आपकी दृष्टि भी बदलती चली जाती है, उसमें वो मिठास आप नहीं पैदा कर सकते हैं जो आपके जीवन में नहीं, जो आपकी, क्योंकि आप चीजों को कहाँ से देख रहे हैं। एक तरफ एक महानगर है, एक शहर है, उसका एक तल्ख यथार्थ है, और दूसरी तरफ वो आपका गांव है। तो जिंदगी यहाँ और वहां, जो निर्मल वर्मा की कहानी का शीर्षक, इन दोनों जगहों के बीच एक संतुलन। और जैसे जैसे आप कविता में हो, कला में हो, या जीवन में हो, आप प्रौढ़ होते जाते हैं, एक जीवन आप जीते चले जाते हैं, तो अनुभव आपको, आज आप देखिए कि आपने जिस तरह से शुरुआत की थी, जिन उम्मीदों के साथ, वे सपने कितने पूरे हुए और हम कहां तक पहुंचे। तो चीजें टूटती जाती हैं, तो उसके साथ साथ हमारा मन भी, तो वो चीजें नहीं रहती, तिक्तता कहीं बढ़ती जाती है, क्योंकि वो तिक्तता हमारे जीवन की है, हमारे समाज की है, हमारी सभ्यता की है, उस विश्व की भी है जो चारों तरफ इस पर्यावरण में घुला हुआ है। मुझे लगता है कि गांव से दूर वाली बात, तो मैं हर जगह, आंध्रा में रहा तो मैं आंध्रा के गांव से जुड़ा रहा, बंगाल में रहा तो मैं वहां के, अभी भी मेरे
जो यात्राएं होती हैं भारत भ्रमण की, तो मैं गांव को ही देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि महानगरों में तो रहने को अभिशप्त हूँ शासकीय सेवा के चलते। तो शायद उसका कारण मैं निजी तौर से समझता हूँ कि वो समय और समाज की तिक्तता है जिसने कविता की मिठास को, मनुष्य के जीवन की मिठास को पल्लव जी लगातार उसने कम किया। बहुत बेहतर तरीके से आपने ये जवाब दिया। हमारे जीवन में चारों तरफ आपने एक पारंपरिक शब्दावली का ही सहारा लिया, जहर बढ़ा है। और ये जहर कई तरह का है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। और इस जहर की अभिव्यक्तियां अमेरिका से लेकर और हिंदुस्तान के अलग-अलग कोनों में हम देख सकते हैं। जी पल्लव के सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है हमारे साथी प्रवीण कुमार का। प्रवीण कुमार हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं और जिनका अभी अभी एक संग्रह राजपाल एंड सन्स से वास्को डिगामा की साइकिल छपकर आया है और काफी चर्चित हो रहा है वह। इसके जी पहले भी उनका एक कहानी संग्रह आया था जिसे विजय मोहन सिंह स्मृति सम्मान से नवाजा गया था। उसके बाद मैं प्रवीण भाई का ये सवाल पढ़ देता हूं। इन्होंने दूसरे कविता संग्रह की कविताओं को आधार बनाया है। पल्लव ने पहले कविता संग्रह को आधार बनाया था, इन्होंने दूसरे। ये एक अच्छी बात है। जी मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद में एकाध कविताओं के बिंब छायावाद के विराट बिंबों की याद दिलाते हैं, जैसे आसमान तारे या नक्षत्रों की आरती। अब ऐसे बिंब कम होते जा रहे हैं आपकी कविताओं में भी और समकालीन कवियों की कविताओं में भी। इसकी क्या ठोस वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर बिंब प्रवीण जी, पहले तो मुझे खुशी है कि एक समर्थ कथाकार कविता को लेकर, मतलब हम दूसरी विधाओं में भी सक्रिय होते हैं, तो आपने ये सवाल किया। लेकिन अगर बिंब कम हो रहे हैं, अगर ये समकालीन हिंदी कविता के प्रति इस दृष्टि से मैंने सोचा तो नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो इसमें सच्चाई होगी, मैं इस पर विचार करूंगा। तो ये कविता के हित में नहीं है, क्योंकि बिंब से ही कविता को प्राणवायु मिलती है, बिंब ही कविता को नवजीवन देते हैं, बिंब ही कविता को गद्य या वक्तव्य परकता से बाहर ले जाते हैं और कविता का दर्जा देते हैं। बिंब एक शक्तिशाली घटक है। बिंबों के माध्यम से मनुष्य जन्म से, आप देखिए बच्चा बिंबों के माध्यम से हम सोचते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं। तो बिंब अगर नहीं है कविता में या कम हो रहे हैं, और जो मिट्टी से धन्यवाद में आपने छायावाद के बिंबों की बात कही है, तो उसपे मैं इस तरह से तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन तो बिंब इधर जो हिंदी कविता में जो शिकायत मेरी भी रही है, अगर आपने कविता का आत्मपक्ष के कुछ निबंध देखे हों, या बढ़ई कुम्हार और कवि, या इधर मेरी आलोचना की आधुनिक हिंदी कविता और काव्यानुभूति, तो आपने देखा होगा कि मैं लगातार ये बात कहता रहा हूँ कि कविता के जो उपादान हैं वो परंपरागत रूप से वही हैं, बस हम उसके साथ एक कवि नया व्यवहार करता है, उनको थोड़ा बदल देता है। औजार तो वही है, रंग वही है, कुची वही है, जो आप रेखांकन बनाते हैं, जो रंग भरते हैं, वो एक अलग तरह से होता है। तो बिंब जो है, आप अगर इसका मतलब ये है कि प्रगति से और जन समाज से हमारा जुड़ाव या कवि का जुड़ाव या मेरा या कवियों का कम होता चला गया है, बिंब के कम होने का मतलब तो यही है। और अगर ऐसा हो रहा है हिंदी कविता में, तो हिंदी कविता के भविष्य के लिए और ये अच्छी बात नहीं है, और मैं इस पे विचार करूंगा कि बिंब कम होते गए हैं, तो कम से कम अपनी कविता को लेकर तो मैं सोचूंगा और समकालीन कविता के बारे में। पर मुझे लगता है कि बिंब से कविता को बहुत ताकत मिलती है, बिंब के माध्यम से हम विचार को बहुत आसानी से पाठक को या श्रोता को संप्रेषित करते हैं। तो बिंब एक बहुत, मतलब पुरातन
घटक नहीं है, बल्कि उसमें हम हमेशा कुछ नया कर सकते हैं। निरुदा ने कहीं ये लिखा भी है कि अगर हम एक कविता में एक नया बिंब भी देते हैं तो उस कविता, पूरी कविता सार्थक हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस पे विचार करूं, अगर ये तो फिर जो निष्कर्ष होगा तो मैं कहीं किसी मुलाकात में आपसे जरूर उसको शेयर करूं। एकाध जी, आपने आ, आ, सही बात कही। बल्कि इधर तो ये देखने में आ रहा है कि पिछले 30-35 वर्षों में जो हिंदी में आधुनिकतावाद का प्रभाव है, उसके कारण एक बिंब विहीन कविता भी कविता हिंदी शुरू में हुई। चलन में आई है। जी जी और बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो बिंब को शायद कविता का जरूरी उपकरण ही नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि ऐसी ऐसे समय में यदि बिंब हैं कविता में, वो भले ही उतने विराट ना हो जैसे कि छायावाद के बिल्कुल, थे, तो भी मुझे लगता है कि कम और वो हुए होंगे लेकिन हैं। जी मैं ये अगला सवाल पूछ रहा हूं। ये आकांक्षा मिश्रा और वृजराज पांडे जी का मिला जुला सवाल है, यानी दो अलग अलग सवाल मिले हैं और दोनों में ये बात कही गई है, इसलिए मैं दोनों को मिलाकर पूछ रहा हूं। काव्य की आत्मा के संबंध में किसे प्रमुखता दी जाए? काव्य की आत्मा के संबंध में आपके क्या विचार हैं, और आधुनिक समय में काव्य की आत्मा के संबंध में किसे प्रमुखता दी जाए? मैं समझता हूं कि हमारे दोनों अध्येताओं के मन में वो जो भारतीय काव्य शास्त्र या संस्कृत काव्य शास्त्र का जो जो काव्य की आत्मा वाला जो जो विवाद है, जिसमें रस छंद, रस ध्वनि अलंकार बिल्कुल रीति वक्रोक्ति इत्यादि इत्यादि के बारे में बात कही जाती है, कुछ वैसा ही शायद वहां से उपजा हुआ सवाल है, लेकिन सवाल है। आकांक्षा जी और पांडे जी, ये तो वैसे काफी आशीष जी ने संकेत किया कि मतलब ठीक है कि काव्य की आत्मा, तो मतलब हम जो एक मतलब पुरानी हम शब्दावली है ये एक तरह से, लेकिन ठीक है, मूल बात तो आपकी पकड़ में आ रही है कि आपका मतलब काव्य की आत्मा हम किसे मानेंगे। और मुझे लगता है कि देखिए कुल मिला के कविता के मतलब दो ही मूल तत्व तो होते हैं, एक तो उसमें गहरा भावबोध हो और या विचार बोध हो, यानी कि मन और मस्तिष्क, यानी कि मुक्ति बोध की जो बहुत प्रसिद्ध जो पंक्ति है कि ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान, यानी हम ज्ञान से संवेदना की तरफ जाएं या संवेदना से ज्ञान की तरफ जाएं, लेकिन दोनों का तालमेल और संतुलन जरूरी है। मूल रूप से ये दो चीजें ही काव्य की आत्मा या उसके प्राणाधार कहे जा सकते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। लेकिन आरंभ अगर आप भावबोध से नहीं करते हैं तो कवि की बहुत लंबी उम्र में मैं थोड़ा संदेह मुझे लगता है, क्योंकि विचार बोध से आरंभ होने वाले लोग बहुत लंबी काव्य यात्रा नहीं कर पाते हैं। हमारे कुछ साथी हिंदी में ऐसे रहे हैं और कवि रहे हैं जिनको हम देखते रहे हैं, तो आरंभ तो भाव बोध से ही होता है, और भाव में अगर विचार ना हो ऐसी कोई बात नहीं है, उसको अलग से गूंथना पड़े ये आवश्यक नहीं है। तो संवेदना ही है काव्य की आत्मा, और जिसके भीतर विवेक का दीपक या ज्योति जल रही हो, ऐसी संवेदना, मुझे लगता है यही कविता के का मूल तत्व है। एकांत जी, ये अगला सवाल है विशाल विक्रम सिंह का। जी विशाल विक्रम सिंह हमारे युवा अध्येता हैं, आलोचक हैं, और राजपालन संस के इस फेसबुक पेज पर भी आयोजनों का संयोजन करते हैं। उनका सवाल है कि 21वीं सदी में लोकतंत्र तेजी से क्षरित हुआ है, कविता एक लोकतांत्रिक विधा है, ऐसे में कविता को जरूरी टूल्स मानने वाले लोग जनता की कविता को कैसे बचा सकते हैं? मैं चाहूंगा कि एक बार आप प्रश्न को फिर से दोहरा दें। हाँ, मैं दोबारा पढ़ता हूं। विशाल जी का कहना यह है कि हमारे समय में लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है और कविता एक लोकतांत्रिक विधा है,
ऐसे में कविता को जरूरी टूल्स मानने वाले लोग जो ये मानते हैं कि कविता समाज में हस्तक्षेप करती है और एक जरूरी उपकरण है समाज में जीवन जीने का, तो लोकतांत्रिकता के चरण में जनता की कविता को कैसे बचाया जा सकता है? यानी जो दबाव होंगे वो तो सब पर होंगे, कविता पर भी होगा, कवि पर भी होगा। देखिए विशाल जी, ये तो आपका सवाल तो आज के समय का मतलब एक तरह से एक मुख्य चुनौती की तरफ, हमारी सभ्यता की मुख्य चुनौती की ओर संकेत करता है। लोकतांत्रिक मूल्य लगातार, लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमले होते रहे हैं और उनका विघटन होता रहा है, तो कविता लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है या रचना या कला या साहित्य का तो जो केंद्रीय जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा ही होती है। तो आज के समय में हम इन लोकतांत्रिक मूल्यों को या जनता का जो लोक का जो की कविता है उसको कैसे बचाएं, ये आपका जो मतलब आपकी जो चिंता है, मुझे लगता है कि ये आज प्रत्येक कवि की चिंता है। और ये जो कविता को, कला को, लोकतांत्रिक मूल्यों को और बचाने की जो चिंता है वो हम सब की चिंता है, और वो अकेले के प्रयास से हम कुछ बचा पाएंगे ऐसा सोचना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का जो एक समाज है या हमारा जो संवेदनशील ये बौद्धिक एक तबका है, लिखने पढ़ने वालों का, और केवल लिखने पढ़ने वालों का नहीं, जो सुलझे हुए मस्तिष्क के लोग हैं, जो चीजों को इस तरह से देखते हैं, जो बौद्धिक हमारे नागरिक हैं, ये सब की चिंता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी तभी लोकतांत्रिक मूल्यों की कविता के माध्यम से हो या रचना के माध्यम से हो हम उस संघर्ष को बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि कविता या कला हमेशा हरदम प्रतिपक्ष की आवाज रही है, जनता की आवाज रही है और समाज की आवाज रही है। इसलिए जो हमारे जो हमारी जो पीड़ित जो मानवता है, लहूलुहान जो मानवता है, हमेशा आप देखिए कि कला जो है, सच्ची कला या प्रगतिशील कला या जनवादी कला, आपको इन शब्दावली से अगर गुरेज हो सकता है कुछ लोगों को, तो जो सच्ची लोकतांत्रिक कला है, कविता है, साहित्य है, वो हमेशा उस पीड़ित मानवता के पक्ष में जाकर वो कविता खड़ी होती है, रचना खड़ी होती है। तो ये एक साझा चिंता है और ये सबकी आज के समय में चिंता है कि उसे कैसे बचाया जाए। तो कोई मिलजुल कर ही उसका एक रास्ता होगा, और एक एकजुटता के बिना तो वो संभव ही नहीं कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाएं या लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाली रचना या साहित्य को बचाएं। कहीं ना कहीं एक संवेद प्रयास की आवश्यकता है और इस पर विचार होना चाहिए कि वो रास्ते क्या हो सकते हैं। बिल्कुल उचित बात आपने कही। मुझे लगता है कि जहां भी मनुष्यता है, मनुष्यता का हर पहलू समाज की जरूरी चीजों को बचाने में और उसे बेहतर बनाने में जुटा रहता है, और चूंकि कविता मनुष्य से अभेद्य रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए मानवीय जीवन को बेहतर बनाने में कविता की अपनी एक हमेशा भूमिका है। और जब चीजें संकट में चौतरफा आती हैं तो कविता भी संकट में आती हैं, कवि भी संकट में आता है, अभिव्यक्ति भी संकट में आती है, और तब कविता का काम और जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। एकांत जी, ये सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये हमारी बातचीत से ही उपजा है, और जो शुरुआत में हम बातचीत कर रहे थे संभवतः ये उससे निकला हुआ सवाल है। किरण अग्रवाल जी ने ये सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि क्या किसी विचारधारा से जुड़ा होना कविता को कमजोर करता है या उसे मजबूत बनाता है? किरण अग्रवाल जी को अगर मैं पहचान पा रहा हूँ तो गोल गोल घूमती एक नाव उनकी किताब का नाम है जो मुझे बहुत पसंद है। और ये सवाल जो आपने किया है कि विचारधारा से जुड़ा होना कविता को क्या कमजोर बनाता है या उसे मजबूत करता है, ये कवि के अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है।
कोई विचारधारा किसी भी कवि को कमजोर नहीं बना सकती। अगर कवि खुद कमजोर है तो विचारधारा उसे मजबूत नहीं बना सकता, मजबूत नहीं बना सकती विचारधारा। मैं कुछ सोच रहा हूं, क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जिसका सामना आमतौर से आज हमें मंचों पर करना पड़ता है। विचार से, किसी भी विचार से, कविता हमेशा जनतांत्रिक जो विचार है, जो मानवता के, व्यापक मानवता के पक्ष में खड़ी जो विचार है या विचारधारा है। मैं समझ रहा हूँ आपका संकेत संभवतः प्रगतिशीलता, जनवाद की तरफ हो सकता है, मार्क्सवाद की तरफ हो सकता है। उससे कवि या कविता कमजोर नहीं होती है। अब ये कवि के अपने ऊपर है कि अगर हम उसको बार बार, उसको बहुत ही लाउड रूप में, सतही रूप में अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, तो हिंदी में ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जो समर्थ कवियों की हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि वो कमजोर प्रतीत होती हैं। तो कवि के अपने सामर्थ्य पे निर्भर करता है कि वो चीजों को कैसे, जैसे आप देखिए मिट्टी में पौधा जो है, जहां से वो रस ग्रहण करेगा तो फूलों के रंग में, खुशबू में, उसके पत्तों की आभा में, उसी मिट्टी का जल, वो आबो हवा उसमें दिखाई देगी। तो मैं नहीं समझता कि विचारधारा से रचना मजबूत चाहे हो लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। वो कवि का निजी सामर्थ्य है कि उसे कैसे अभिव्यक्त करता है, उसका कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन किसी विचार से जुड़ा होना या ना जुड़ा होना, इस पर ये कोई मतलब मुझे कारण नहीं लगता है। किरण जी, विचारधारा को लेकर हिंदी में एक लंबी बहस हुई है, होती रही है, और कई बार विचारधारा और जीवन दृष्टि को लेकर भी एक बहस होती रही है कि कवि के लिए जीवन दृष्टि ज्यादा जरूरी है, जीवन विवेक या विचारधारा जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि किरण जी जो खुद रचनाकार हैं वो आपके इस जवाब से संतुष्ट होंगी। मैं ये सवाल ले रहा हूँ धनंजय कुमार का। इन्होंने पूछा है कि ये सब सवाल जो अब आ रहे हैं वो आपकी बातचीत से ही निकले हुए सवाल हैं, और जो बातें आपने कही हैं उनके प्रति प्रश्न की तरह ये पूछे जा रहे हैं। उत्तर आधुनिक समय में गांव के स्वरूप में किस प्रकार का बदलाव आया है, साथ ही उस बदलाव को कविता में किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है? धनंजय कुमार का ये सवाल है। धनंजय कुमार जी, आपने जो सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछा है कि उत्तर आधुनिक समय में गांव में किस प्रकार का बदलाव आया है, कविता में वो कितना और कैसे दर्ज हुआ है, तो ये दो आपके प्रश्नों के हिस्से हैं धनंजय जी के। तो उत्तर आधुनिक समय में गांव में जो बदलाव आया है वो तो आप देख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें गाँव से जुड़ गई हैं। गाँव, मैंने अभी अपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अब वो गाँव आधा बचा है जो हम लोगों ने जब होश संभालते समय जिस गांव को देखा था। तो तकनीकी ने और जो विकास ने गांवों को काफी बदला है, और जो बड़े गांव हैं तो लगभग कस्बों में तब्दील हो गए हैं, जो छोटे गांव हैं जो महानगरों से जुड़े हुए वो महानगरों के हिस्से बन गए हैं। तो गांव बहुत बदल गए हैं। जो बहुत छोटे गाँव हैं वहां ऐसा नहीं है कि मतलब जो सामंती मूल्य हैं या जो विकृतियां हैं या जो अपसंस्कृतियां हैं वो केवल महानगरों में हैं, गांव में नहीं, वो तो पूरे समाज में हर जगह है। मेरा मतलब गांव के उस उज्जवल पक्ष से था तो वो लगातार आहत हुआ है, लोक संस्कृतियों पे लगातार हमले हुए हैं, लोक कलाओं पे, और वो समय के साथ वो चीजें सिमटती चली गई हैं। तो उत्तर आधुनिक इस दौर में या इस दौर में गांव काफी बदल चुके हैं, फिर भी वो बहुत हद तक बचे हुए हैं। मैंने आधा गांव का संकेत किया तो वो मूल्य वहां बचे हुए हैं अभी। तो गांव में क्यों, कस्बों में भी आप देखिए, छोटी जगहों में और महानगरों के जीवन में जो आपाधापी जो दौड़ भाग है, आज का मनुष्य तो बहुत दौड़ रहा है। मतलब मुझे अपनी ही एक पंक्ति की, यह जाने बगैर कि वह चीज क्या है, हम किसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं। तो इस तरह का जीवन महानगरों का जो हो गया, उसकी तुलना में जब मैं छोटे शहरों में जाता हूँ, अपने रायपुर में ही जाता हूँ, वो राजधानी है, जब छोटा शहर नहीं, लेकिन मुझे एक सुकून मिलता है, वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है।
कि वहां आपाधापी वहां भी है, वहां भी व्यस्तता है, वहां भी लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी मूल्य बचे हुए हैं, खास करके एक जो साझा जीवन है, जो कस्बों और गांव की ताकत है, एक साझा सामाजिक जीवन, एक दूसरे के दुख में खड़ा होना। मनुष्य महानगरों के मनुष्य की तरह अकेला नहीं, खास करके जो विस्थापित मनुष्य महानगर में है, जिसका अपना समाज परिवार नहीं है, उस तरह से वो वहां अकेला महसूस नहीं करता है। तो गांव बहुत बदले हैं, लेकिन फिर भी वहां मूल्य बचे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब चीजों को इतने सीमित रूप में देखना उचित नहीं होगा। मैंने कविता के आत्मपक्ष में बार बार लिखा है कि लोक का मतलब केवल ग्रामीण लोक नहीं है, वो नागर लोक भी है। कुल मिला के हमारा अपना समाज, हमारे अपने लोग, और जो जिसको एक ठेठ शब्द में जिसको जनता कहते हैं, संघर्षरत जनता, जो एक उच्चतर जीवन के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, तो लगातार जो आहत हो रही है, पीड़ित हो रही है, तो वो हमारा चाहे नागर लोग हो, वो भी गांव ही है, नागर लोग भी आपका विस्थापित गांव ही है, तो दोनों ही लोग आप देखिए काफी बदला हुआ है, गाँव का परिदृश्य बदला हुआ है, फिर भी वहां अभी सांस लेने की जगह है अधिक है। और आपका इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, मैं दूसरा पक्ष भूल रहा हूँ आशीष जी, इस प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा था कि इसे कैसे कविता में ये किस रूप में दर्ज हो रहा है ये गांव, आज का गांव, तो कम से कम मैं पहले ही स्वीकार कर लूं कि कम से कम मेरी कविता में तो ये बदलता हुआ गांव बहुत उस रूप में दर्ज नहीं हुआ है कि मैं उसके मतलब बाह्य प्रतीकों को लूं। हिंदी कविता में ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जिसमें बदलता हुआ गांव है, लेकिन गांव पे जो हमले हो रहे हैं, लोक संस्कृतियों पे, मूल्यों में, मूल्यों पर, लोकगीतों पर, उन चीजों पर बात लगातार होती रही है, मैंने भी लगातार सोचा है और साथी कवियों ने, लेकिन ये बदलता हुआ गांव इतना सामने है। कला में अक्सर आप देखिए कि दूर से हम चीजों को देखते हैं तो कुछ तटस्थ हो पाते हैं, तो जो हमारा वर्तमान होता है वो तो हम जी ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो चीजें छूट रही हैं, जो चीजें हम खोते चले जा रहे हैं, प्रायः रचना या कला में हम उसको अधिक प्राथमिकता से दर्ज करते हैं। तो इसलिए इस बदलता हुआ जो जीवन है वो तो हम सबके सामने है, हो सकता है जब ये इतिहास बने तो हम इसे अधिक मुखरता से दर्ज करें, इसके लिए अधिक पृष्ठ देना भी उचित नहीं होता है, संकेतों में बात होती है, लेकिन फिर भी यह बदलता हुआ गांव कविता में आया है और मुझे लगता है कथा साहित्य में अधिक खुल के आया है, अधिक विवरणों के साथ आया है, विस्तार से आया है, लेकिन कविता में भी वो आया है। मुझे लगता है धनंजय जी को मैं अपनी बात कह पाया हूँ। जी, ये दो सवाल हैं जो गद्य और कविता के संबंध को लेकर हैं, और एक एक करके मैं दोनों सवाल पूछता हूं। अब पहला सवाल है उमा शंकर का, ये पूछते हैं कि आधुनिक युग को गद्य का युग कहा जाता है, आपकी क्या राय है? उमा शंकर जी, आधुनिक युग को गद्य का युग कहा जाता है तो अच्छी बात है, लोग तो कविता में भी गद्य ही लिख रहे हैं बहुत से लोग, तो आप देखिए तो, लेकिन कविता की जगह और कविता की जरूरत हमेशा बची रहेगी, उस गद्य में भी कविता की गुंजाइश बची रहेगी। आप देखिए जो उत्तम गद्य है, जो श्रेष्ठ गद्य है, चाहे हम रेणु के गद्य को याद करें, या तो आप देखिए उसमें कविता बची हुई है, जो बहुत अच्छा गद्य है वो कहीं ना कहीं कहीं किसी पैराग्राफ में आपको प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की आप कहानियां, वो उपन्यास देखिए तो उसमें आपको कविता मिलेगी, गद्य में भी कविता मिलेगी। मैं विधागत कोई ऐसे तोड़ फोड़ या लड़ाइयों में कोई भरोसा नहीं करता, गद्य में हम अधिक विस्तार से, हमारे एक खुला मैदान होता है हमारे, हम अपनी बात को अधिक विस्तार से विवरणों के साथ कह पाते हैं। तो युग गद्य का है कि कविता का है, इस ढंग का कोई मतलब कोई फैसला तो मैं सुनाने की स्थिति में नहीं हूँ,
आपको अगर ऐसा लगता है तो मैंने इस पे सोचा भी नहीं है। मुझे लगता है कि कविता और कथा साहित्य, ये कहानी, ये दो विधाएं या उपन्यास भी इसमें है, ये दो तो बराबर समानांतर चलती ही रही हैं। इन दो विधाओं को कभी भी गद्य की दूसरी विधाओं की तरह से उस रूप में मतलब कम तरजीह नहीं दी गई कभी। तो ये तो केंद्रीय विधाएं साहित्य की रही हैं, कविता और कहानी या उपन्यास। तो इस रूप में कविता और गद्य दोनों का ही युग और समय हर समय रहा है। तो मुझे लगता है कि कविता एक अलग चीज है, क्योंकि कविता में हम केवल भाव बोध को या मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं। कविता में हमें बहुत कम शब्दों में, कम वाक्यों में कवि को अपनी परीक्षा देनी होती है। और वहां चूंकि मैं कथा साहित्य के कुछ विरुद्ध नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद दो उपन्यास मैंने लिखे हैं, तो मैं खुद अब मेरा निजी अनुभव में महसूस करता हूं कि कोई कथा आपको कवि को समर्थन देने के लिए वहां नहीं है। अगर वो कविता नगई मेहरा जैसी त्रिलोचन की कविता, लंबी कविता हुई तो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी कविता हूँ। तो इस तरह से कोई युग गद्य का भी है और मुझे तो लगातार कविता का युग भी लगता रहा है। और कविता इतनी अधिक संख्या में लिखी जाती रही है और छपती रही है। आप देखिए पत्र पत्रिकाओं में, वागर्थ में मेरा अनुभव है 9 सालों में कि सबसे अधिक आने वाली विधा जो है कविता है। अब इसका कारण आप ये मत कहिएगा क्योंकि मैं कविता से संबद्ध रहा तो लोगों ने कविता ही भेजी होगी, मतलब जो कथाकार संपादक मेरे वरिष्ठ जो रचनाकार रहे या साथी संपादक रहे, उनका भी ये कहना है कि ये विधा सबसे ज्यादा आती है। घोषित रूप से हमारी पत्रिका अगर कथा पत्रिका है तो फिर निसंदेह फिर कविता कम आएंगी। तो कविता लगातार और अधिक संख्या में लिखी जाती रही और गद्य भी हमारी विधा है, कविता भी हमारी विधा है, युग चाहे जिसका हो। अब वो आशीष जी फैसला करेंगे, आप करेंगे। नहीं, ये मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है इसका। यूं ये जो सवाल है ये 1850 से 1910-20 के बीच के परिदृश्य को ध्यान में रखकर ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। जी। उन्होंने आधुनिक युग को गद्य का युग कहा था, तो उसका अर्थ ये था कि पुरानी पुराने समय में, यानी भक्ति काल और रीति काल में गद्य नहीं था, अचानक गद्य आया और उसने जगह घेरी। हाँ, वो तो हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कविता विस्थापित हो गई। आपने उसे सही तरीके से कहा कि ये युग इसमें दोनों हैं और ये दोनों रहेंगे साथ साथ। मैं इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। ये डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी का सवाल है। इन्होंने, मैं जहां तक याद कर पाता हूँ, नवगीत पर काम किया है डॉक्टर राधेश्याम सिंह ने। इनका सवाल है कि कविता से पद्य विस्थापित किया जा रहा है, कविता से पद्य विस्थापित किया जा रहा है और गद्य को प्रायोजित तौर पर स्थापित किया जा रहा है। अर्थ की लय के नाम पर शब्द की लय की हत्या क्यों हो रही है? राधेश्याम जी का सवाल, मतलब मुझे लगता है कि हम कुछ अर्थ में और एक सीमा तक उस पर बात करते रहे हैं अभी इस बातचीत में। कविता से पद्य को कम किया जा रहा है और गद्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से आरंभिक किसी प्रश्न के उत्तर में बातचीत में ये बात हम लोगों ने की है अभी कि कविता को जो गद्य बनाने की कोशिश रही है, बल्कि कुछ पत्रिकाओं में आपने देखा होगा और कुछ संग्रहों में गद्य कविता के रूप में बहुत सारी चीजें छपती रही हैं। गद्य कविता वो एक विधा के तौर पर उसको एक दर्जा देने के लिए, देखिए आप अभी एक कविता को अगर लिख देंगे जो गद्य की तरह नहीं लिखी गई है, अगर आप उसको गद्य की तरह लिख देंगे तो भी उसमें जो कवितापन है, जो आप पद्य कह रहे हैं, जो काव्यात्मकता है, अगर वो है तो वो बची रहेगी। और जो गद्य की तरह लिखी जा रही है लंबी चौड़ी वाक्यों की कविता, जैसे हमारे बहुत सारे कवि कहते हैं कि पूरे पूर्ण वाक्य की कविता है, लेकिन गद्य का बहुत ज्यादा कविता में आना मुझे
निजी तौर से लगता है, और मैं इस पे मैंने लिखा भी है अपने निबंधों में या डायरी वगैरह में, कि गद्य का बहुत ज्यादा कविता में आना कविता के हित में नहीं है, और अर्थ की लय के कारण शब्द की लय की उपेक्षा। तो अगर राधेश्याम जी का संकेत मैं समझ रहा हूँ कि गीतों से गीतों की तरफ है, तो ये निसंदेह गीत हैं, और जो गजलें हैं चाहे दुष्यंत की हों या हमारे गीत रहे हैं, और समर्थ कवियों ने बहुत अच्छे गीत भी लिखे हैं, तो गीत तो पाठकों को जोड़ने के लिए वो जुबान पर जिस तरह से चढ़ते हैं, स्मृति में बने रहते हैं, तो गीतों की ताकत अपनी जगह है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, विडंबना है, कि जब हम हिंदी कविता की बात करते हैं तो हिंदी गीतों की बात नहीं करते हैं, हिंदी गीत प्रायः छूट जाते हैं, या गीतकार या जो गजलें हिंदी में लिखी गई हैं अच्छी, तो उनकी चर्चा होनी चाहिए जब हम समकालीन हिंदी कविता की बात करते हैं, तो उसमें गीत और गजलें भी। तो अगर ऐसा अपराध या गलती होती है तो उसमें परिमार्जन किया जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए। लेकिन मुक्त छंद की कविता तो अर्थ की लय और उसमें शब्द की लय, आप मुक्तिबोध की कविताओं को देखिए तो शब्द की लय केवल अगर छंदबद्ध रचनाओं की तरह हम ना सोचें, तो अर्थ की लय के साथ शब्द की लय भी बची हुई। केदारनाथ अग्रवाल की बहुत सारी कविताएं ऐसी आप पढ़िए तो बिल्कुल बहते चले जाएंगे, और बहुत सारी कविताएं हिंदी में मुझे लगता है बिना लय ही वो चीज है, चाहे वो अर्थ की लय जब बनती है तो शब्द की लय तो उसके साथ ही, वो अलग से कोई चीज नहीं है। मेरा मतलब छंदबद्ध रचना से नहीं। तो उपेक्षा गद्य का आना बहुत ज्यादा कविता का गद्य होना, मुझे लगता है इससे कविता के हित में ये कविता के भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इधर जो पाठकों का हम रोना रोते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं है या कविता हास्य की विधा बनती जा रही है, इसमें जो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण कविता का बहुत अधिक गद्य होना भी है, कि पाठक उससे कुछ दूर जा रहे हैं और उस तरह से जुड़ नहीं पाते। तो राधेश्याम जी का सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें हर समर्थ कवि को कोशिश करना चाहिए कि कुछ चीजें वो परंपरागत छंदों में भी दे। अब जैसे निराला जैसे हमारे कवि हैं, उन्होंने मुक्त छंद के साथ बहुत अच्छे गीत और छंदबद्ध रचनाएं भी दी हैं। तो ये एक चिंता की बात है कि हम जब हिंदी कविता की बात करते हैं तो उसमें गीत और गजल जरूर शामिल होना चाहिए, उसकी चर्चा शामिल होना चाहिए, और कविता में अर्थ की लय को तो बचाए रखना होगा, उसके बिना कविता निरुद्धा को मैंने उद्धृत किया है कि कविता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा अगर वो उसकी एक बूंद को ना बचा सके। ये उसकी एक बूंद ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी तत्व की तरफ संकेत। बहुत बेहतर तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। मैं समझता हूं कि डॉक्टर राधेश्याम सिंह जी इस जवाब से न सिर्फ संतुष्ट होंगे बल्कि खुश हुए होंगे। ये मैं अगला सवाल ले रहा हूँ सुनील कुमार चौबे का। ये सवाल भी हमारी बातचीत से उभरा हुआ सवाल है। सुनील जी पूछते हैं कि वर्तमान समय में कविता प्रतिरोध के स्वरूप को कहाँ तक सार्थक कर पाई है। मेरा ढंग है कि वो मेरा ख्याल है कि सीधा सवाल ऐसे होगा कि कविता कितना प्रतिरोध कर पा रही है अपने समय में। ये सुनील जी का, जी सुनील कुमार चौबे का सवाल है। सुनील जी, आपने कविता आज के समय में कितना प्रतिरोध कर पा रही है या अब प्रतिरोध की भूमिका को किस तरह से निभा पा रही है, तो देखिए ये तो कविता से बहुत अधिक उम्मीद है, और हम सब जानते हैं कि कविता कुल मिलाकर या रचना में हम मनुष्य की उस आवाज को दर्ज करते हैं जो विरोध में प्रतिपक्ष से उठती है, जो पीड़ित मानवता के पक्ष में, या मनुष्य जीवन के जीने की जो ताकत है, समाज के जो बहुत महीन तंतु हैं जिससे एक मनुष्य दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कविता को व्यक्त करते हैं। सवाल यह है कि आज के समय में कविता कितने लोगों तक पहुंच रही है, उसे कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, ये एक बड़ी विडंबना है। और ऐसे समय में जब
सीधा एक प्रतिरोध होता है, जैसे हम जन आंदोलन वगैरह कहते हैं, तो रचना का प्रतिरोध, रचना या कविता जो है वो कुल मिला के मनुष्य के विवेक को या अपने पाठक के को विवेक सम्मत बनाती है, दृष्टि से लैस करती है कि चीजों को आप यहां से देखिए, यह भी एक देखने की जगह हो सकती है। तो मुझे लगता है कि कविता या कला या रचना जो जन पक्षधर जो रचना है, जो लोकतांत्रिक रचना है, जो अपनी जनता से जुड़ी हुई जो रचना है, वो कुल मिला के आपको एक दृष्टि देती है, एक सोचने का एक जगह देती है कि यहाँ से भी चीजों को आप देखिए, और वो दीक्षित करती है एक तरह से, और प्रतिरोध की एक तरह से पृष्ठभूमि वो तैयार करती है। लेकिन साहित्य से या कला से आप सीधे सीधे ये उम्मीद करें, कोई विशेष दौर हो जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उस समय जैसी कविताएं लिखी गई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर से कविता अपना प्रतिरोध इस तरह से दर्ज करती है कि आप वो दीक्षित करती है, तैयार करती है, एक पृष्ठभूमि प्रतिरोध का तैयार करती है, बाकी अगली कार्रवाई तो व्यक्ति विशेष पर या जन समाज पर निर्भर होता है, वो जो दीक्षित समाज है, जो पाठक वर्ग। तो कवि और कविता की भूमिका एक तरह से प्राथमिक भूमिका है उस पृष्ठभूमि को तैयार करने में, ऐसा मुझे लगता है। इससे अधिक उम्मीद संभवतः कविता या कला से अधिक उम्मीद होगी। एकांत जी, ये सवाल है चौपाल पत्रिका का। चौपाल पत्रिका का एक फेसबुक पेज है, उससे ये सवाल हमें प्राप्त हुआ है। ये पूछा गया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की राह कैसे बनेगी। ये सवाल भी हमारी बातचीत से उभरा है। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे लोकतांत्रिक मूल्यों की, अभिजनों के मूल्यों की, तो चौपाल पत्रिका का ये सवाल है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की राह कैसे बनेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों की राह कैसे बनेगी, चौपाल पत्रिका का ये प्रश्न है जो आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मूल्यों की राह तो मूल्यों को लगातार बचाए रखते हुए ही बनाई जा सकती है। मूल्यों की लगातार बात करके, उन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करके, देखिए आज के समय में अगर आप ये समझें कि एक लेखक होने के नाते या कलाकार होने के नाते जिन मूल्यों की बात आप कर रहे हैं, उन मूल्यों को पूरी तरह से आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, मुझे लगता है कि ये पूर्ण सत्य तो ये नहीं हो सकता। हम अधिकतम कोशिश करते हैं कि जिन मूल्यों की बात हम रचना में कर रहे हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर, उन मूल्यों के आधार पर अपना जीवन जिए, कोशिश करें, भरसक कोशिश करें, और हमारा जो घर परिवार है, हमारा जो जन समाज है, वह भी उन मूल्यों के आधार पर चले। उन मूल्यों के बारे में लगातार सोचने से, उन्हें आत्मसात करने से, उन्हें रचना में अभिव्यक्त करने से, उन पर बातचीत करने से, बहस करने से, गद्य में, पद में, जितने भी मंच हैं, और जो आज मनुष्य की चुनौतियां हैं, उनसे जुड़कर, सभ्यता का जो संकट है उनसे जुड़कर, जो मनुष्य मनुष्य को दूर करने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो संस्कृति पे जो हमले हो रहे हैं, जो खास कर एक साझा जीवन है उसको तोड़ने की कोशिश जो हो रही है, तो उससे बचाते हुए, उस दिशा में लगातार सोचते हुए ही हम मनुष्यता को या लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने की राह निकाल सकते हैं। मुझे इस समय रघुवीर साहब की बहुत, मतलब मेरी प्रिय पंक्तियां याद आ रही हैं कि बस भीड़ में जरा सी आपकी हैंडल कांपती है और आप रास्ता निकाल ले जाते हैं। तो भीड़ में से साइकिल चलाते हुए रास्ता निकाल ले जाना, तो इसी तरह से संभवतः लोकतांत्रिक मूल्यों का रास्ता हमें निकाल ले जाना होगा, उस भीड़ में से जो साझा संस्कृति पे हमला करने के लिए हमारे सामने। तो एक दूसरे से जुड़कर लगातार इन चिंताओं पे बात करके ही, साझा प्रयासों से, कोशिशों से ही उन मूल्यों को हम बचा सकते हैं, उनकी राह निकाल सकते हैं, और बिना उस राह के ना जीवन बचेगा, ना सभ्यता, ना कला, ना कविता, उस राह को तो बचाना ही होगा। मैं आभारी हूँ, चौपाल पत्रिका ने इन्हीं बातचीत से एक अच्छा प्रश्न निकाला, और
लोकतांत्रिक मूल्यों की राह ही शायद कला और कविता की सच्ची राह है। एकांत जी, ये सवाल जो मैं अब पूछ रहा हूं आपसे, ये आपकी एक कविता से संबंधित है। मैं कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा जो सवाल लिखने वाली श्री जया ने पहले उद्धृत की हैं, और फिर सवाल पढ़ूंगा। कैसा मैं मनुष्य हूं कि कहीं छोड़ नहीं पाता अपनी छाप, अपने मनुष्य होने की सुगंध छोड़ नहीं पाता। ये पंक्तियां हैं आपकी, और इस पर श्री जया जी का सवाल है, वर्तमान मानव की कौन सी स्थिति की ओर आप इशारा करना चाहते हैं? अभी अभी जो मैंने उत्तर दिया, ये आपने अच्छी पंक्ति उद्धृत की छाप कविता से, कि कैसा मैं मनुष्य हूं तो कहीं छोड़ नहीं पाता अपनी सुगंध, अपने मनुष्य होने की छाप कहीं छोड़ नहीं पाता। तो वही जो मूल्यों की बात अभी हम कर रहे थे, कि जिन मूल्यों की बात हम करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं, क्या उन मूल्यों को पूरी तरह से जीवन में जी भी लिया गया है, या हमारा जीवन पूरी तरह उन मूल्यों पर आधारित है, क्या वो नियम कहीं हमसे छूटते नहीं? तो ये जो अंतर विरोध है, जहां वो नियम टूटते हैं छूटते हैं, ये जो व्यावहारिकता का जो संकट कहीं है, तो ये आधुनिक मनुष्य की एक विडंबना है कि एक मूल्यों के साथ वो कहीं जाता है, अपना जीवन शुरू करता है, अपना काम शुरू करता है, लेकिन देखता है कि चारों तरफ जो व्यवस्था है वो उन मूल्यों के विरुद्ध है। तो कभी वो आधे मूल्य बचा पाता है, कभी वो उसके एक चौथाई मूल्य आहत होते हैं, कभी आधे मूल्य आहत होते हैं और छूट जाते हैं। तो इसी मनुष्यता, आधुनिक मनुष्य की तरफ, या आज के समय की जो चुनौती है, ये जो संकट है, इसकी तरफ मैंने संकेत किया है कि हम एक मनुष्य बनकर जीना चाहते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था ऐसी है कि वो इस मनुष्यता के खिलाफ है, इन मूल्यों के खिलाफ है। वो बार बार आपको बाध्य करने की कोशिश करती है कि आप उन मूल्यों के विरुद्ध जाएं या उन्हें छोड़ दें। और यही हमारी भारतीय संस्कृति की कविता की, या वैश्विक संस्कृति की कविता की भी जो सच्ची कला है, उसकी यही ताकत है कि हम उस मनुष्यता को नहीं छोड़ते, मनुष्यता की राह की जो बात हो रही है वो नहीं छोड़ते, लेकिन जहां वो छूटती है तो वो छाप जो है फिर वो आहत होती है, धूमिल होती है। मैं शायद यही कहना चाहता हूँ उस कविता में। जी, ये भी एक दिलचस्प बात है कि कविता की पंक्तियों की या कविता की व्याख्या खुद कवि से मांगी जाए, जो कि श्री जया जी ने आपसे मांगी। जया जी ने नहीं, अच्छा सवाल किया, बल्कि कवि को घेरने के लिए अच्छा है कि उन्हीं की पंक्तियों से ये पूछा जाए। जी बिल्कुल, और इससे ये सही भी है कि आप अपनी पंक्तियों को व्याख्यायित करें, लेकिन ये है कि वो जिस रूप में आप उसका अर्थ ले रहे हैं तो वही उसका अर्थ होता है कविता का। लिखने वाले ने किसी एक खास संदर्भ में कभी लिखा होता है, लेकिन हम उसे अपनी कविता मानकर अपनी तरह से आपके साथ करते हैं। बिल्कुल, ये आखिर के कुछ सवाल मैं लूंगा, क्योंकि अब हमें इस आयोजन को कहीं न कहीं जाकर विराम देना होगा। जी, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ वंदना देव शुक्ल का, जिन्होंने कविता, कहानी और उपन्यास इत्यादि को मिलाकर एक सवाल पूछा है। कविता अथवा कहानी या उपन्यास में प्रतिरोध का स्वर समाज को कितना उद्वेलित एवं प्रभावित करता है? क्या आज का साहित्य इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है? वंदना जी के सवाल मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े में इसका उत्तर पहले हमारी बातचीत में आ चुके हैं। आज के साहित्य में प्रतिरोध तो है ही, कविता कहानी सब में प्रतिरोध तो है। मैंने अपनी पिछली किसी बातचीत प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो सच्चा साहित्य है वो विपक्ष का ही, विपक्ष में बैठने के लिए अभिशप्त है। तो प्रतिरोध तो है, और लेकिन उसकी भूमिका, प्रतिरोध की, उसका प्रभाव समाज पर कैसे पड़ता है, किस रूप में लेता है, ये तो उस पाठक के मन में। आप देखिए कि जो हम किशोर उम्र में या विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम में जो कविताएं पढ़ते हैं, या बचपन में, किस तरह से वो हमारे मनोमस्तिष्क में छाई रहती है, छपी रहती है, तो
तो हम उसे उस पर जैसे भगवत शरण उपाध्याय की बहुत अच्छी पंक्ति है गीता के बारे में, गीता जितनी पूजी जाती है उससे कम पढ़ी जाती है और जितनी पढ़ी जाती है उससे कम समझी जाती है। तो उस दौर में जब हम पढ़ते हैं गीता को या रचना को तो हम उस पे संदेह नहीं करते, हमको लगता है कि एक बच्चा जो तैयार हो रहा है एक नया पाठक, हम उस पे उस कला कविता पे संदेह नहीं करते, हम उसे मूल्य मान करके ये छपी हुई चीज है मतलब इस आधार पे हमें अपना जीवन समाज बनाना है। तो वो इस ढंग से वो एक उपदेश परक या शिक्षा प्रद साहित्य होता है। तो मुझे लगता है कि उस पाठक मन को मतलब विवेक को तो प्रतिप्रश्न तो आपको करना होगा, शंका तो करनी होगी जब आप विवेक सम्मत एक पाठक बन जाते हैं, उसके साथ उस अपने संवेदनशील मन को बचाए रखना होगा। मुझे लगता है वो आपकी अपनी संवेदनशीलता पे कि रचना आपको कैसे आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, और ये रचनाकार और रचना की भी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके भीतर कैसा प्रभाव डाल रही है, दोनों का तालमेल है कि कहीं वो पुल बीच में टूटे ना, वो सेतु वो आवाजाही ना टूटे। तो इस तरह से फिर वो संदेश आपके भीतर जाता है और बहुत सारी रचनाएं ऐसी होती हैं या कथा उपन्यास होते हैं कहानियां जिसको पढ़ के आप परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और आप उस दिन ठीक से सो नहीं पाते और कई दिनों तक उस पर सोचते रहते हैं। तो ये कविता या कला या साहित्य की ताकत हो सकती है, लेखक की ताकत। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी रचना में भी कोई कमी रह जा रही है और पाठक भी उसे दत्तचित होकर पढ़े और किस रूप में ग्रहण करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भूमिका अधिक से अधिक रचनाकार की तरफ ये दायित्व तो बनता है कि वो अपनी रचना को इस रूप में पाठकों के लिए तैयार करे या इस रूप में वो लिखे कि वो ग्राह्य हो और उसकी संवेदनशीलता में और बौद्धिक हस्तक्षेप करे और कुछ सोचने और किसी प्रतिरोध के लिए तैयार करे। क्योंकि जब हर तरफ हाँ कहा जा रहा है तो केवल एक ना या विरोध में उठा हुआ हाथ भी एक बड़े विरोध को प्रकट कर जाता है। तो ये असहमति का स्वर साहित्य का कविता का जो हमारी लोकतांत्रिक कविता है उसका मुख्य स्वर है और बहुत दिनों तक वो सहमति के सुर बांध के बहुत दूर तक आपके साथ नहीं चल सकती। शुक्ल पक्ष तो है कविता में लेकिन उस शुक्ल पक्ष को भी आप उद्घाटित करते हैं तो इसका मतलब है कि एक कृष्ण पक्ष भी है आपकी, उसकी स्मृति भी बनी रहती है। तो इस तरह से जीवन में कविता मुझे लगता है या वो कृष्ण पक्ष को भूल नहीं पाती, उस अंधकार को भूल नहीं पाती, दोनों पक्षों को उद्घाटित करते हुए मुख्य ध्येय उस कृष्ण पक्ष को ही उद्घाटित करना होता है ताकि फिर से हम अपने खोए हुए शुक्ल पक्ष को पा सकें। मुझे लगता है रचना इसी तरह से अपनी भूमिका निभा सकती है कुछ हद तक। एकांत जी आज का ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ डॉक्टर चंद्र लोचन त्रिपाठी का जी। इन्होंने एक तरह का एक ऑब्जर्वेशन अपनी ओर से हमारी आज की कविता के बारे में दिया है और कुछ शिकायत भी उसमें शामिल है और उसमें एक सवाल भी है। कविता में जो जरूरी काम रचाव और विन्यास होना चाहिए जिससे कोई रचना वास्तव में रचना बनती है उससे आज की समकालीन कविता दूर होती जा रही है। कविता में देखिए त्रिपाठी जी का ये सवाल महत्वपूर्ण है कि कविता में जो एक रचाव जो उसका एक विन्यास होना चाहिए उससे समकालीन कविता दूर होती जा रही है। तो मुझे लगता है जो परंपरागत जो हमारे काव्य उपादान ये घटक रहे हैं प्रतीक बिंब जिनकी बात हमने आरंभ में की है संभवतः त्रिपाठी जी का संकेत उसी तरफ है। और मैंने पहले भी कहा है कि जो कविता के जो उपादान हैं वो कभी न बदलते नहीं, वो वही रहते हैं। एक कवि उनको अपने ढंग से उसको व्यवहार में लाता है और उसमें कुछ मौलिक रंग वो अपने ढंग से भरता है। तो जो रचाव की तरफ उनका संकेत है अगर शिल्प की तरफ है
उसपे हम लोगों ने मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कुछ संकेत किया है शिल्प से। कविता में एक एक वाक्य के एक एक शब्द बहुत मायने रखता है कि हम कौन सा शब्द ला रहे हैं। केवल एक शब्द ही आपके पूरे काव्य संस्कारों को व्यक्त कर जाता है या बता देता है कि आप कहाँ से खड़े होकर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं या चीजों को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो रचाओं से मतलब अगर शिल्प से ही है तो शिल्प सजगता अगर नहीं है तो बात आपकी पूरी तरह बिखर जाएगी। तो मुख्य ताकत है कविता का स्थापत्य ही। आपको कविता का स्थापत्य ऐसा हो कि जो गुजरने वाले राहगीर हैं वो खुद वहां उस घर में रहने को की इच्छा करें और पाहुन बनकर वहां आए, और उसका स्थापत्य ही ऐसा होगा तो कौन वहां पे आएगा। तो अभी जो गद्य कविता की हम लोग बात कर रहे थे तो संभवतः त्रिपाठी जी का संकेत उसी तो ओर है कि वो स्थापत्य या वो रचाव कम होता जा रहे हैं। मुझे लगता है कि समकालीन कविता में अब इधर हमारे नए कवि भी काफी सम्मिलित हो गए हैं। पिछले 20-30 सालों में पूरी एक समर्थ पीढ़ी आई है, उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लिख रहे हैं, उनसे उम्मीदें हैं। पर मुझे मैं सबको शामिल करके ये कह रहा हूँ कि नए हों या पुराने हों, इधर हमारा हमारी अपनी धरती से जुड़ाव, हमारी प्रकृति से जुड़ाव और उसकी जो बहुत बुनियादी जो समस्याएं हैं इस देश की, समाज की, वो वही है, आज भी वही है बुनियादी, जिनकी तरह मुक्ति बोध ने समस्या एक कहा था। आप उसको नया नाम दे लीजिए चाहे उन चुनौतियों को, लेकिन वो वही है। आज भी आप देखिए कि एक तरफ मनुष्य का जीवन बहुत आदिम है, दूरस्थ गांव में आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आज भी वहां बिजली की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में कविता की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको कविता के रचाओं की तरफ जो इन्होंने संकेत किए हैं, शिल्प की तरफ वो संकेत है। तो हमारा जीवन का शिल्प ही अगर गडमड होगा तो हम अपनी कविता को क्या शिल्प दे पाएंगे, क्या स्थापत्य दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने मनुष्य मन का, मस्तिष्क का, अपने जीवन का स्थापत्य, शिल्प और रचाओं को ठीक करना होगा कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन शैली और रचना शैली दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। तो मैं खुद ऐसा महसूस करता हूँ कि उस शिल्प और रचाओं, तो इधर कवियों का जुड़ाव अपने जन समाज से कम हुआ है, प्रकृति से कम हुआ है। आप देखिए नए कवियों में बहुत से अच्छे नाम हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पर आप उसमें घर गांव की कविता या घर परिवार के लोगों की कविता, माँ पर, बुआ पर, उस तरह से बड़ी आत्मिक कविताएं बहुत कम होती चली गई हैं। इसके क्या कारण है, इस पर विचार होना चाहिए। तो उस प्रेम के कम होने से भी जो मिट्टी के प्रति है, लोक समाज के प्रति है, जीवन के प्रति है, उस प्रेम के कम होने से भी रचना का रचाव, जीवन का रचाव प्रभावित होता है। कविता का गद्य हो जाना ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नमी है, जो संवेदना है, वो कम होती जा रही है। और अगर धरती मरुस्थल बनती जा रही है, चाहे रचना की हो या जीवन की हो, तो कहीं ना कहीं वो मेघ, वो वर्षा, वो बारिश, वो संवेदना, वो जुड़ाव कम होता जा रहा है, और यही रचाव को भी प्रभावित करता है। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने आज हमारे श्रोताओं दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। त्रिपाठी जी, मुझे भी एक वाक्य में मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आपका, आशीष त्रिपाठी जी और राजपाल एंड सन्स का, मीरा जी का धन्यवाद और प्रणव जी का, और जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इसे देख रहे हैं, जिन्होंने समय दिया, मैं सबके प्रति आभारी हूँ कि मुझे अपनी बात कहने आप लोगों ने मंच दिया और आज इतनी सारी बातें हो पाई, इस वजह से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एकांत जी, पुनः आपका राजपाल एंड सन्स के फेसबुक पेज पर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, और सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगभग 1.5 घंटे के इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े रहे।
उन्होंने सक्रिय रूप से भागीदारी की, अपने सवाल पूछे, मैं उन सब का भी धन्यवाद अदा करता हूं और अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों से फिर अगले हफ्ते रविवार को शाम 6 बजे एक नए लेखक के साथ बातचीत करने की जो ये श्रृंखला है इसमें मिलने की गुजारिश करते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत नमस्कार।